लिखा हुआ है रे। मगर उसको लगाना पड़ेगा। तो फ्लाइंग के लिए पर शुरू कर दिया गया है। तो इस तरह का सब रोड है दोस्तों, देख सकते हैं, स्केल प्रेशर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, किसान दर्शन में स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं सीवी नर्सरी क्रॉप शो में, जो हमारे दोस्त साथ आए हुए हैं। ये जो एक प्रयास है जो कि किसानों के लिए किया जा रहा है, सीवी क्रॉप शो वेलकम टू यू, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि चौड़ा बाग की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर पार्किंग देख सकते हैं दोस्त, पार्किंग बहुत ही सुंदर में बनाया गया है। यहाँ पर कार की पार्किंग है, ये हमारा एंट्री का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंट्री का यहाँ पर बोर्ड बना हुआ है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर एंट्री है। आगे का आपको दिखाएंगे बाहर आओ ना दोस्तों, पार्किंग देख सकते हैं, यहाँ पर कार की पार्किंग लगी हुई है। ये यहाँ पर जो शो यहाँ पर हो रहा है आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे आपको मैं इसको बारे बारे दिखाते जाऊँगा, वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर एंट्री है, देख सकते हैं, देखिए चुनी अपनाइए। इस तरफ यहाँ पर जो है वेलकम का है, और इस तरफ पर ये मारी गोल्ड, और इधर पूरा क्रॉप्स ये सब लगे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री का है, आपको दिखा दूँ मैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, देख सकते हैं काउंटर यहाँ पर लगे हुए बहुत सारे इस तरह। बोनसाई है ये एडेनम की। इस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर बोनसाई बनाई गई है बहुत अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर फ्लावर्स की वैरायटी है, गुलाब की बहुत सारी यहाँ पर वैरायटी रखी गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और मेन आपको मैं ये दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो है, ये जो प्रयास जो कि सीवी चावड़ा बाग की तरफ से किया जा रहा है, उसमें कौन कौन सी कंपनी आपको मिल सकती है। इसमें वेनआर की कंपनी जुड़ी हुई है, इसमें आपको वचन सीट का मिल जाएगा, और इसमें आपको जो क्लाउस की कंपनी उसको मिल जाएगी आपको, एनजा जार्डन है, सिजेंटा है। इस तरह से आपको सभी कंपनी की यहाँ पर बारी बारी से देखने को मिल जाएगी दोस्तों। दोस्तों ये फॉर्म है, इसको फिलअप करना पड़ेगा, मैं दिखा दूँ इस तरीके से। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें अपना फैसिलिटीज क्या क्या है, इंस्टॉल लगा हुआ है, विजिट करने का मौका मिलेगा आपको, और साथ ही लंच इंक्लूडेड है। लंच भी है ना दोस्तों, यहाँ पर लंच भी है, 200 रुपये आपको यहाँ पर देना है, और जाकर आप देख सकते हैं, और आपको लंच भी यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। आपको मैं यह दिखा दूँ, ये बहुत ही अच्छा एक तरीका प्लानिंग है, यहाँ पर क्रॉप्स लगी हुई है देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों ये है ड्रैगन फ्रूट का प्लांट इस तरीके से, देख सकते हैं ये मौसम्बी का जो है, मौसम्बी कटर देख सकते हैं इस तरीके से है, सीब नर्सरी मौसम्बी संतरा नर्सरी का है इस तरीके से। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, वो मिलो है ये इस तरीके से। जी ये आपको देखा, ये फ्रूट की नर्सरी है इस तरीके से, मौसम्बी है ये, ये सब देख सकते हैं दोस्तों। ये मुनगा की वैरायटी है, और ये चावड़ा, ये क्राफ्टेड नर्सरी की प्रोसेस यहाँ पर बताया गया आपको, मैं दिखा दूँ बारी बारी से। साइन है, साइन विद कट है पूरा, ये इस तरीके से पूरे, ये आखिरी में ये लास्ट में ये इस तरीके से पूरा तैयार हो जाता है। मिर्च, बैगन, टमाटर, शिमला, लौकी, करल, खीरा, कलिंदर, खरबूजा, ये सब की ग्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया जाता है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यहाँ पर वैरायटी है, कौन कौन सी क्राफ्ट यहाँ पर एग्जीबिशन में लगा है। क्राफ्ट आपको दिखा दूँ, यहाँ पर शिखर जो कि ग्वार है, ग्वार बहुत ही अच्छी वैरायटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए बहुत ही प्यारी है यहाँ पर, और यहाँ पर सभी क्रॉप्स लगी हुई है। आप देख सकते भिंडी है यहाँ पर, है करेला है, बरबट्टी है, और यहाँ पर मिर्च की है बहुत ही अच्छी वैरायटी देख सकते हैं। और आपको मैं दिखा दीजिए, यहाँ पर हमारे कंपनी के सभी जो स्टाफ बैठे हुए हैं, तो ये हमारे सारे सरकार कंपनी की तरफ से, जो कि बर्मन सर हैं,
तो सर बताइए आपकी कंपनी में क्या क्या है, कैसा है, पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए। नमस्कार किसान भाई, मैं दिनेश कुमार, सहकारी एग्रीसाइज प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ रायपुर से बोल रहा हूँ। अभी हम लोग सहकारी एग्जीबिशन में है, यहाँ सीढ़ी बाग में अपन देख सकते हैं एक से एक वेरायटी, जैसे सहकार से टोरने की लगती है करेला, हाई टोरेंस वेरायटी है 19 दिन सहकार का करेला, और टमाटर भी है सहकार की इसका SST 21/22 टमाटर शुरू हो जाएगा जी। देखिए आप ये आप देख सकते हैं सामने, इसमें जो फ्रूट्स लगे हुए हैं इसके, आप इसको अभी अगर आपको बलौत साइड में करना है तो 15 दिसंबर से बाद के आप इसको जी टीपी करिए और आपको फरवरी तक आपको इसका माल निकलना शुरू हो जाएगा। ये आपको ऑन एन एवरेज 10 टन से 12 टन तक आराम से देगा जब आप इसे स्टेकिंग में लगाए। स्टेकिंग दोस्तों, कभी आपने इस तरह की मिर्ची देखी होगी, आपने हरे मिर्ची देखा होगा, लेकिन ये काली मिर्च है, इसलिए बोलते हैं कालिया, ये नागनी, ये मिर्च है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो जानेंगे, जो हमारे साथ वचन सीड का जो सर जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपको इंट्रो करा दूं। आइए सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर का हमारे चैनल में स्वागत है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कालिया नाम से ही कालिया है और ये काले में है। इसमें सबसे मेजर जो हमारा इशू आता है चिली में, आप लोगों ने देखा होगा कि वायरस से ये प्रति सहनशील है। और थ्रिप्स, जो ब्लैक थ्रिप्स अभी मार्केट में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसने कि चिली की प्रोडक्शन कॉस्ट हर कुछ बहुत नीचे कर दी है जी, तो जी। उन अदर्स कंपनियों के उससे ये सहनशील है लेकिन बहुत कम है। इससे प्रोडक्शन आपका लॉस नहीं होगा, बहुत ही अच्छा ये उत्पादन भी है और बहुत अच्छी वैरायटी है। ये जो पंपकिन है जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं, ये भारत का आपका राष्ट्रीय वेजिटेबल भी है, तो ये जो इसकी एक वैरायटी है वचन सीड का पंपकिन के लिए, चिरायु नाम है, चिरायु और काम भी इसका है चिरायु। आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे इनके जो एक पंपकिन ब्रीडर। ये पंपकिन चिरायु जो है, इसका आप फ्रूट देख रहे हैं, इसके वजन में ये लगभग 12-13 किलो तक भी जाता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे 10 किलो तक ही रिकमेंड कर रहे हैं, 10 किलो तक इसका वजन जाएगा। ये वायरस के प्रति सहनशील है, बहुत ही अच्छा है। 90 दिन की क्रॉप होने के बावजूद भी इसमें ना कोई रोग है, ना कोई फोलियर डिजीज है, ना कुछ है। आप यहाँ फ्रूट देख सकते हैं, सभी फ्रूट एक साइज। आप ये साइज देखिए, ये जो चिरायु है इसका साइज देखने लायक है, और ऐसी फसल से किसान को हमेशा फायदा ही होगा, इसमें मुनाफा अधिक है। यहाँ पर टमाटर की फसल लगी हुई है, जो कि बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। आपको मैं बारी बारी से यहाँ पर दिखा दूँ, इस तरीके से यहाँ पर जो वैरायटी लगी हुई है बहुत ही अच्छी, यहाँ पर टमाटर नज़र आ रहा होगा दोस्तों। आगे आपको दिखा दूँ, ये जो टमाटर आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, ये जो टमाटर है 12-10-61, जो कि यहाँ पर वेनार सीड के, देख सकते हैं इसका साइज़, देख सकते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पर ये साइज लिया हुआ है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, इसका फ्रूटिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पर फ्रूटिंग नज़र आ रही, जो कि वेनार कंपनी के यहाँ पर है, जो कि वानी के नाम से आती है। ये बहुत ही अच्छी आपको टमाटर की वैरायटी दिखाई दे रही है दोस्तों, वानी, जो कि आप देख सकते हैं प्रॉपर फ्रूटिंग सेफ्ट यहाँ पर लिए हुआ टमाटर की। आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये गुच्छे में फैलने वाली एक वैरायटी है, देख सकते हैं गुच्छे में यहाँ पर लगी हुई है दोस्तों। ये इस तरीके से पूरी ये फसल आपकी टमाटर की यहाँ पर लगी हुई है। आपको दिखा दूँ कितना यहाँ पर अच्छा यहाँ पर शेप लिया हुआ है, बहुत बेस्ट वैरायटी आपको लग रही है ये टमाटर की, इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो HM क्लाउज है उसका जो कैबेज की एक वैरायटी है एडमिरल F1, तो बहुत ही बढ़िया एक वैरायटी है। इसके बारे में इनके जो एक कर्मचारी है वो बताएंगे कि कैसा है ये फसल और इससे किसानों को क्या फ़ायदा है। हमारी एक HM क्लाउज की वैरायटी लगी हुई है एडमिरल, आप देख सकते हैं कि एडमिरल लगी है, पूरा आपका राउंड दिगर ये वैरायटी लगती है, और इसका साइज जो है 1-1.25 kg तक आती है, और ये 1-1.25 kg तक आती है, हेड पूरा इसका राउंड रहेगा। और जो कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके डिजीज के प्रति काफ़ी इसमें टॉलरेंसी है, और ये इसका एक और खासियत है कि 65-70 दिन में फर्स्ट हार्वेस्ट इसको हो जाती है। फील्ड होल्डिंग कैपेसिटी की बात किया जाए तो ये आपको 20-25 दिन आपको फील्ड में आप इसको रख सकते हैं। तो मेरा नाम मनोज यादव, मैं HM क्लाउज की तरफ से मैं प्रतिनिधि हूँ। मेरा यहाँ CB इंटरनेशनल नर्सरी में मेरा मौसमी क्वालीफ्लावर मौसमी लगी है, जो इसका विंडो लगाने का जुलाई से अगस्त महीने में है, जो लगभग 50-55 दिन में मैच्योरिटी हो जाती है। एकदम क्रीमी कलर का आएगी, कैंपेक्ट एकदम कलर रहेगा डोम में, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रुक रुक के वैरायटी आती है, मतलब एक समान एक बराबर नहीं तैयार होती है, 3 बार में तैयार होती है। लगभग ये
50 से 55 दिन में कंप्लीट तैयार और मार्केट में ठोसपन, ऐसे ही गोभी का मार्केट में डिमांड रहती है। कर्मचारी जो कि अपन लगे टमाटर की वैरायटी, उसके बारे में पूरी जानकारी हमको देंगे। सर अपने इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। जी सर, जैसा कि आप लोग एशियन क्लॉज कंपनी के अतिरिया वैरायटी पर आए हुए हैं, जैसा आप लोग देख रहे होंगे फ्रूटिंग सेटिंग में आपको काफ़ी एक्सलेंट दिख रही होगी सर। अगर एक बंच में बात करें तो 5 से 6 फ्रूट मिल जाएंगे और सारे आपको यूनिफॉर्म शेप में मिलेंगे, पहली चीज। और एक फ्रूट का वेट अगर देखें सर तो 90 से 100 ग्राम के बीच में होंगे सर एक फ्रूट का वेट। अब फ्रूट पूरी एकदम कॉम्पैक्ट है और टाइटनेस है। इस समय ये बेनिफिट है कि एक जगह से दूसरी जगह इजी वे में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे अपन जुलाई टीपी करते हैं, जुलाई टीपी कर सकते हैं क्या? जुलाई कर सकते हैं, जुलाई मिनिस्टर F1 मिनिस्टर मिनिस्टर F1 क्लास जी। दोस्तों वीडियो पे मेरे साथ बने रहिएगा और आप चलते सीधा ड्रोन के पास। वीडियो दिखाना चाह रहे हैं ड्रोन की, जो कि एरिस एग्रो इक्विपमेंट की। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ड्रोन एग्री ड्रोन देख सकते हैं। दिखा रहा हूँ सर की हाइट आपको, जाते जाते इतनी हाइट की जरूरत पड़ेगी, बहुत है। बता रहा हूँ कि 400 फीट की हाइट का लिमिटेशन रहता है इसका। अच्छा, 400 फीट तक इसको ले जा सकते हैं आप। दूरी भी आप आराम से ले जा सकते हैं इसको, 400 फीट का नहीं, ज्यादा ज्यादा ले जा सकते हैं। वो आपको एग्रीकल्चर में स्प्रे के लिए काम आने वाला है। तो इस कंपनी के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर ये जो आपकी मशीन है, इसका डिटेल हमारे किसानों को बताइए कि इसकी कीमत क्या है, इसका यूज कैसे होता है, इसकी टंकी कैपेसिटी क्या है और इसकी यूज आप कैसे कर सकते हैं। सर अपने इंट्रोडक्शन देते हुए इसका पूरा आपको डिटेल हमारे जो किसान दोस्त उसको बताइएगा। जी सर, भैया 150 लीटर का टैंक है जी। हाँ, बैटरी से चलता है ये। बैटरी की कैपेसिटी क्या होगी इसकी? बैटरी जी, इस बैटरी एक चार्जिंग में 4 घंटे चलेगा ये जी। सिंगल चार्ज पे 4 घंटे चलने वाली है दोस्तों। बहुत ही अच्छी यूजफुल आपको एग्रीकल्चर में होने वाली है। तो जी सर ये आपके मशीन के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी ये पानी ये ऑन करने के लिए, ऑन करने के लिए भैया इसको जैसे आप ऑन करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो मशीन आपकी चालू हो जाती है उस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से चालू होने वाली है। ये लाइट